एक्चुअली 2018 में ये मसला पहले बार हमारे सामने आया था, मैं उस मीटिंग में था, तो हमने ही कहा था कि अगर आपके ऐसी समस्या है तो आओ गुरुद्वारे में नमाज़ अदा कर लेते हैं, और 2018 में गुरुद्वारे में नमाज़ अदा की गई थी। अच्छा, उसके बाद अब जुलाई के बाद फिर दोबारा से हालात आए, तो हमारे जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो गुड़गांव के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान है शेरदिल सिंह, उनके सामने ये मसला गया, उन्होंने कमेटी के सामने रखा, तो कमेटी ने इजाज़त दे दी कि मुस्लिम जो है वो नमाज जो है गुरुद्वारा के परिसर में, जो जहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है वहाँ तो नहीं, जो अलग से चाहे वो हाँ जो बेसमेंट है या बाहर है, तो वो उनको जगह दे दी जाए, वो नमाज अदा करें। तो वहाँ पर नमाज अदा हुई फिर? नहीं, नमाज अदा इसलिए नहीं हुई कि 19 तारीख को पहली नमाज अदा होनी थी, 19 तारीख को जुमा था, 19 तारीख को गुरु नानक का पर्व था। अच्छा, क्योंकि गुरु नानक का पर्व था तो रश बहुत था, पर जो हिंदू संगठन है, जो राइट विंग है हिंदुओं के, उस संगठन बाहर आके उन्होंने अपने प्ले कार्ड पेश कर दिए और उन्होंने नारे लगाने शुरू, गुरुद्वारा के बाहर नारे नूरे लगाने शुरू कर दिए, और उस दिन प्रेस भी बहुत आ गया, तो क्योंकि मैंने ही प्रेस को एड्रेस करना था, तो जब प्रेस आया और सारा कुछ आया तो मुस्लिम की तरफ से हमें मैसेज आ गया कि हम आज नमाज अदा नहीं करेंगे गुरुद्वारे में, ताकि कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट ना हो, तो उनकी तरफ से अपने आप ही आ गया कि हम आज अदा नहीं कर देंगे, एक तो गुरुपर्व भी है और हम आज नमाज अदा नहीं करेंगे। पर आप पे भी प्रेशर बनाया हिंदू संगठनों ने? ऐसा है कि वो तो कुदरती है, गुरुद्वारे में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की कमेटियां होती हैं, कमेटी के हर कई किस्म के मेंबर भी होते हैं, तो कुछ लोग नोएडा से आए, एक रवि इंदर सिंह थे, तो वो आए और उनके साथ कुछ आए, वो राइट विंग के, मेरे पास फ़ोटो भी है, वो बाकायदा उसके फ़ोटोज़ भी हैं आरएसएस के साथ, हिंदू महासभा के साथ, वो लोग आए, उन्होंने कहा गुरु तेग बहादुर की शहादत ऐसे हुई, मुसलमानों ने उनकी शहादत कर दी, आप मुसलमानों को ये कैसे दे रहे हो, इस बात की उन्होंने हमारे साथ सीधे चर्चा तो नहीं हुई, तो वो गुरुद्वारे में कुछ यूट्यूब वाले को अपना एड्रेस करते और वो चले गए, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई, उन्होंने अपनी गुरु तेग बहादुर की शहादत पर अपनी किताबें को ज़रूर बांटी उन्होंने। तो जब मेरे से प्रेस वालों ने पूछा तो मैंने कहा ये सारा कुछ जो है मनगढ़ंत जो इतिहास है ये पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, ये इतिहास ऐसा है नहीं, गुरुओं के और मुगलों के संबंध खट्टे और मीठे रहे, और क्योंकि वो शासक थे तो जो शासक के खिलाफ होंगे, जो उसका विरोध करेगा तो उसका विरोध तो उसको सहना पड़ेगा, आज भी सरकार में UAPA और टाडा और पोटा को हमने देखा तो वो सहना पड़ेगा, तो सिखों ने उसका मुकाबला किया बाकायदा तौर पर, हमारा ये कोई मुगलों के साथ झगड़ा नहीं था, ना ही मुस्लिम के साथ झगड़ा था, हमें तो जो हरिमंदर साहब वाला जगह है 85 गाँव अकबर बादशाह ने गुरु अमरदास जी की बेटी के नाम लगवा दिए, तो जहाँ ये सारा एरिया बना है, तो इसलिए इवन अगर आप देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो फौज में पीर बुद्धू शाह के 500 साथी भी शहीद हो गए, मलेर कोटला का नवाब जो छोटे साहबजादों को जब दीवारों में चिन्हने की बात सुचानंद के सामने आई तो मलेर कोटला का नवाब बाइकआउट कर गया, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ, और वो बाइकआउट कर खुले में नमाज पढ़ने का तो विरोध हो रहा है, बात ठीक है, लेकिन जब नमाज आप अपने गुरुद्वारे में पढ़ाने की बात करें तब आपका विरोध किस लिए? नहीं, वो तो ये होता है ना कि सिखों में भी कई किस्म के लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे सिख एक विचार को मानने वाले हैं, उसमें उन्होंने जो RSS के साथ जुड़े हैं तो सिख स्वरूप में हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आपको ये नहीं करना चाहिए, हमने कहा क्यों नहीं करना चाहिए, जब अकाल तख्त पर नमाज अदा हो सकती है तो यहाँ नमाज, हमारा तो कोड ऑफ कंडक्ट है सिखों का, तो बाकायदा तौर पर सिख कोड ऑफ कंडक्ट है, सिख कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी बात नहीं है, और अगर गुरु नानक से ही पूछ रहे तो गुरु नानक के साथ मर्दाना जी थे, तो क्या मर्दाना जी नमाज अदा नहीं करते थे गुरु नानक के साथ रहते हुए? ये इशू ही गलत है, एक्चुअली नमाज का इशू है ही नहीं, इशू ये है के मुस्लिम को डेमोरलाइज कर दिया जाए, मुस्लिम को डेमोरलाइज कर दिया जाए, जैसे सिखों को 1982-1984 के 1980-90 के दशक में उनको अपनी जगह दिखाने की कोशिश की गई थी कि उनको डेमोरलाइज कर दिया जाए, कभी आतंकवादी कह दिया जाए, खालिस्तानी कह दिया जाए, कभी कुछ कह दिया जाए, यही काम जो है उसके बाद पहला तजर्बा उन्होंने सिखों पर किया, जब उनका तजर्बा सफल रहा तो उन्होंने दूसरा तजर्बा सीधा मुस्लिम के पास किया, अब मुस्लिम उसी टारगेट में हैं जिसमें सिख थे, और उस टारगेट का कारण ही नमाज तो एक केवल बहाना है, नमाज का कोई लेना देना नहीं है, नमाज होती है, पूरे हिंदुस्तान में नमाज नहीं हो रही, पूरे भारत में नमाज हो रही है, अकेला गुड़गांव कैसे छांट लिया, क्योंकि गुड़गांव दिल्ली के पास रहता है, मल्टीनेशनल एरिया है, और मुस्लिम का
एरिया जो मेवात एरिया काफ़ी बड़ा एरिया, अगर यहाँ डेमोरलाइज होता है तो पूरे देश में डेमोरलाइज हो जाएगा, इशू डेमोरलाइज हो जाएगा। फिर ये मस्जिद बना लेंगे वहाँ, अरे कहाँ कोई मस्जिद बना ले, तो फिर सरकार के कानून कहाँ रह गए? अगर मैं यहाँ आके कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं मस्जिद बना दूंगा तो कोई मुझे बनाने देगा? इसका मतलब हम इतने, हमारा कानून इतना घटिया है कि हम कहीं कोई चार आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो हम मस्जिद बना लेंगे? ये शासन रोक क्यों नहीं रहा फिर? प्रशासन, जब प्रशासन का ऊपर जो जहां उसकी तार खड़ी है, जब वो ही कह रहा है कि ये काम करो तो कर रहा, अदरवाइज किसी की क्या हिम्मत है कि वो ये काम कर दे? सवाल मुस्लिम इस समय निशाने पर है। मेरी सरकार से ये अपील है आपके माध्यम से कि सरकार को ये रास्ता बंद करना चाहिए। मुझे सरदार हुकम सिंह जी, जो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे और फ्रीडम फाइटर भी रहे, अकाली नेता भी रहे, वो पहले थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के जब अडॉप्शन होना लगा वॉकआउट कर गए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। आज हम देखते हैं पिछले 40 साल से ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो सरदार हुकम सिंह तो ठीक थे, संविधान खराब है तो सरदार, ये तो आप लोगों ने देखना है कि अगर ये हालात है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आज भी है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो सत्ता में बैठे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से मोड़ रहे हैं, इसमें कौन सी बात है? ये तो भीमराव अम्बेडकर ने पहले ही कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो या कितना भी कमजोर हो, उसको चलाने वालों पे डिपेंड करता है। सवाल ये है कि चलाने वाले भी तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के चुनाव से ही आए हैं ना। डॉक्टर अम्बेडकर की ये बात भी गलत है कि डॉक्टर अम्बेडकर आज दलित की बात है, दलित के 67 मेंबर बीजेपी के सांसद हैं, अगर वो आज उनके ऊपर इतनी तकलीफ हो रही है तो उनको वापस आ जाना चाहिए, तो सरकार तो आज ही टूट गई, सरदार है कहाँ सरकार? इसका मतलब है कि दलित जो है एक तरफ आके कहता है ये काम करें, मैं इस बात का नहीं हूँ कि मैं दलित के खिलाफ हूँ, मेरा ये नहीं कहना नहीं है, कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय भी एक स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमानों को भारत से चले जाना चाहिए। मैं डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर 341 आर्टिकल क्यों बना? अगर डॉक्टर अम्बेडकर को ये था कि अगर मुसलमान यहाँ रहेगा तो मुसलमान का भी जो रिजर्वेशन, जो उनका पसमानदा एरिया है, जो उसका शेड्यूल का शेड्यूल है, जातिवाद तो है नहीं इस देश में, चाहे सिख हो चाहे मुसलमान, तो कि वो हमारा हिस्सा ना ले ले, तो डॉक्टर अम्बेडकर को ये नज़र नहीं आ रहा था। मैं इस बात से डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ही सहमत नहीं। लेकिन मुसलमान का सामाजिक शोषण नहीं होता ना? सामाजिक शोषण तो हो ही रहा, आज क्या हो रहा, आज उसका सामाजिक शोषण ही नहीं है, वो तो मुख्य धारा से ही अलग थलग हो गए, आज सामाजिक शोषण की तो बात ही खत्म हो गई। जैसे सिखों को 1982 में, 1900 उसमें क्या हुआ था, मैंने आज भी बात कही कि 1982 में इशू क्या था, जल बंटवारे का इशू था, सतलुज का पानी का बंटवारे का इशू था। तो आपकी नज़र में नया संविधान बनना चाहिए क्या? तो उस समय मैं ये नहीं कह रहा कि नया संविधान तो अब ये है, हमने माना है, तो सरदार हुकम सिंह ने जब लोकसभा के अध्यक्ष बने तो आप जैसे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की धारणा के समय आप इसको अपोज कर गए थे, आप वॉकआउट कर गए थे, तो आज क्या उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे? तो सरदार हुकम सिंह ने उस समय कह दिया था कि अब हमारे पास कोई और चारा नहीं, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसको अमेंडमेंट के लिए आगे लाएंगे। ऐसे ही तो हिंदू संगठन भी कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है, तो हर तबके का व्यक्ति अगर ऐसे ही कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें तब्दील करने की ज़रूरत है अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बचेगा क्या? नहीं, फिर आप इस बात को दूसरे ढंग से पेश करके, मेरा ये कहना है इशू ये नहीं है, इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आज जब हमने मान लिया, हम सारे शपथ ले रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, हाँ इस समय हम ये नहीं कह रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले जिनके हाथ में वो मशीनरी आ गई है, वो इसको अपने तरीके से, अब ये 370 आर्टिकल को किस तरह अमेंड किया गया आपके सामने है, अभी किसान जो ये तीन कानून बने, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट सब्जेक्ट था उसको कैसे लाके खड़ा कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जिस ढंग से जिन हाथों में हम दे रहे हैं, तो हाथों में तो हम ही दे रहे हैं ना, जो दे आज हिंदू ऑर्गेनाइज क्यों हो गया, आज हिंदू को लामबंद क्यों किया जा रहा है, आज पिछले 14 से लेकर 21 तक हालात क्या बन रहे हैं, टोपी और दाढ़ी कैसे नजर आने लग गई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो रास्ता है। तो आपको लगता है कि जो आम हिंदू है, जो खाने कमाने वाला तबका है, वो भी अब लामबंद हो रहा है इन संगठनों के साथ? आपके सामने है, जब 2019 में एक व्यक्ति के नाम पर हिंदू सम्राट के नाम से वोट डाल रहा था तो हिंदू ही डाल रहा था, सिख और मुसलमान ने तो वोट नहीं डाला, तो सिख और मुसलमान ने जब वोट नहीं डाला तो वोट किसने डाला, वोट तो हिंदू डाल रहा था ना,
तो ये तो हिंदू को बताना पड़ेगा कि आप इस देश को क्या बनाना चाहते हैं। ये तो हिंदू का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। मैं तो ये ओपनली कहता हूँ, सरदार हुकम सिंह ने जो बात कही मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। हमारे फ़र्ज बनता है कि ये हमारा देश है, चाहे वो सिख है चाहे मुसलमान है। ये तो हिंदू को सोचना है कि ये उस इस देश को देश बनाए रखना चाहता है या नहीं बनाए रखना चाहता, ये तो उसकी जिम्मेदारी। आज अगर नमाज अदा नहीं हो रही तो क्या मुसलमान हिंदू सारे के सारे कम्युनल लोग हैं, उनको सामने आके वहाँ खड़ा नहीं होना? अगर किसी मुसलमान की लिंचिंग होने लगे तो 10 जो हिंदू हैं वो सामने खड़े होकर नज़र क्यों देखते रहते, वो उसको ठीक क्यों नहीं करते, उसको रोक